भारत माता की मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, बैंड डॉक्टर सुधा यादव जी, हमारे पूर्व सांसद श्रीमान रामचंद्र बैंदा जी, श्री अजय गौड़ जी, श्री गिरिराज जी, श्री संदीप जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान विपुल गोयल जी, श्रीमान राम रतन जी, श्रीमान दीपक मंगला जी, श्री नयनपाल रावत जी, श्रीमान यशवीर डागर जी, बहन सीमा त्रिखा जी, श्री मूलचंद शर्मा जी, श्री हर्ष कुमार जी, श्री राजेश नागर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए फरीदाबाद के प्यारे मतदाता भाई और बहनों, इस चुनाव में ये मेरा दूसरा दौरा है। हरियाणा के चारे चारों कोने में मैं जाके आया हूं और इसलिए मुझे लगता है कि मैं चुनाव प्रचार करूं उससे ज्यादा ये अच्छा होगा कि मैं आपको अग्रिम बधाई दे दूं। मैंने लोकसभा के चुनाव में भी हरियाणा का ऐसा मिजाज नहीं देखा था जो मैं इस चुनाव में देख रहा हूं। एक आंधी चल रही है, जनसैलाब उमड़ जा रहा है, चारों तरफ विकास की गुंज सुनाई दे रही है। हरियाणा के हर नौजवान ने, हरियाणा के हर मतदाता ने हरियाणा के भाग्य को बदलने का फैसला कर लिया है, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। आपातकाल के बाद जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को 100 से भी ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 50 सीट तक पहुंच नहीं पाई, 50 सीट तक नहीं पहुंच पाई। जनता को कांग्रेस के प्रति कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, यह आज चारों तरफ नजर आ रहा है। और मैं देख रहा हूं इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हरियाणा की विधानसभा में डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी, डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी, 10 से नीचे रह जाएगी। और इसका कारण उनके अपने पाप है। जिस प्रकार से जनता को लूटा गया है, जिस प्रकार से प्रदेश को तबाह किया गया है, जिस प्रकार से किसानों को असहाय बना दिया गया है, उसका नतीजा है
यह देश अब कांग्रेस को देखने के लिए भी तैयार नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, यह हमारे फरीदाबाद का यह हाल क्यों हुआ? मैं बनारस में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो हमारे उस पूर्वांचली इलाके के सब लोगों की जिनमें बात करता था तो बोले हम तो फरीदाबाद में हैं। बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वांचल के लोग यहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। फिर मैंने पूछा वापिस क्यों आए हो? तो बोले साहब 5 साल 7 साल तो वहां काम मिला, अब हालत इतने खराब हो गए हैं कि हम घर वापिस लौट आए हैं, हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। ये फरीदाबाद का ऐसा हाल कैसे हो गया? हरियाणा के औद्योगिक कैपिटल, हरियाणा औद्योगिक विकास में फरीदाबाद के कारण पहचाना जाता था। कहीं से भी कोई नौजवान रोजी रोटी के लिए आ जाए तो 2-4-6 दिन में हरियाणा में कोई न कोई काम मिल जाता था, फरीदाबाद में भी काम मिल जाता था, छोटा मोटा काम मिल जाता था, भूखे रहने की नौबत नहीं आती थी। आज इस फरीदाबाद से लोगों को अपने घर वापसी हो रही है, नौकरियां छूट रही हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, कारखाने ठप पड़े हैं, बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, बाजार में माल बिक नहीं रहा है। ये हालत किसने पैदा की? भाई बहनों, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कौन जिम्मेवार है? क्या जिसने आपको बर्बाद किया, आपकी रोजी रोटी छीन ली, उस कांग्रेस को सजा करोगे? और सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेवार है ऐसा नहीं है। हरियाणा का 25 साल का इतिहास देखिए, 25 साल का, क्या यहां लोकतंत्र नजर आ रहा है? क्या लोकशाही दिखती है? क्या यहां तो हर चुनाव में कोई न कोई परिवार हावी हो जाता है। यहां परिवार शाही चलती है, लोकशाही नहीं चल रही है। एक 5 परिवार है वही पूरे हरियाणा पर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। आपको कोई लेना देना ही नहीं है, आपको तो चुनाव जीतते ही ठोकर मारने की इनको आदत लग गई है। भाई जो मुखिया बन गया उसके बेटे भतीजे चाचा मामा वाले सारे के सारे लग पड़ते हैं और काम भी बांट लेते हैं। कोई जमीन के प्लॉटों को कब्जा करने का कॉन्ट्रैक्ट रखता है, कोई मकान खाली कराने के कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, कोई पुलिस वालों से हफ्ता लेने का काम कर लेता है, वो तबादले कराने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। बड़ा गजब का डिवीजन ऑफ वर्क होता है इनमें। हर बेटों का एक एक डिपार्टमेंट दे देते हैं, तुम उधर से कमा लो, तुम उधर से कमा लो, तुम उधर से कमा लो। भाइयों बहनों, ये लूटो बांटो राज करो, इससे हरियाणा को मुक्ति दिलानी है। ये परिवार शाही से हरियाणा को मुक्ति दिलानी है। लोकतंत्र अगर मजबूत होगा तो हमारे सामने बैठा हुआ छोटा सा छोटा इंसान भी कभी यहां नजर आएगा। अगर परिवार शाही होगी तो आपके नसीब में कुछ नहीं आएगा। वही पोते के पोते, पोते के पोते, पोते के पोते वही चलते रहेंगे। और इसलिए मेरे भाई बहनों, ये वंश बात, ये परिवार शाही, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बेजवाब
नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं करते हैं। जिनका जनतंत्र में विश्वास है वो जनता को जवाब देने के लिए बंधा हुआ होता है, उसको जनता की चिंता रहती है, उनको परवाह नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं तो हैरान हूं, हरियाणा ये जो वर्तमान में सरकार है उसकी पहचान क्या है? बाहुबली, जमीन के घोटाले, बिल्डरों का राज, कॉन्ट्रैक्टरों का राज, यही पहचान है ना, यही पहचान है ना। इसके बावजूद भी चुनाव चल रहे हैं तो भी अपनी आदत छोड़ नहीं रहे, अभी भी गरीब किसानों की जमीन दामाद के हवाले करने के काम चल रहे हैं। मैं हैरान हूं, चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी है और कल ही उन्होंने फैसला कर लिया, मेरे अखबार में पढ़ा। ये फैसला अभी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? इसका कारण है ऊपर से डंडा पड़ा होगा कि भाई 10 दिन के बाद तो तुम्हारी सरकार रहने वाली नहीं है, फिर ये मोदी आ जाएगा, जल्दी करो, साइन कर दो, फाइल क्लियर करो। और उन्होंने कान पकड़ के कह दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर देता हूं जी। भाई बहनों, ये जनता जनार्दन की संपत्ति है, ये देश के किसानों की संपत्ति है, देश के आम आदमी की संपत्ति है, इसको लूटने का किसी को अधिकार नहीं है भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार को एक पल भी रहने नहीं देना चाहिए। दूसरे महाशय तो बड़े कमाल के हैं जी, मैं तो हैरान हूं, यहां के लोग चुनाव में भी झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बासमती चावल का एक्सपोर्ट मोदी ने बंद कर दिया है और इसलिए हरियाणा का किसान बेहाल है। तो मंडी वाले गए मुख्यमंत्री जी के पास, जरा वो कागज दिखाओ तो, मोदी जी ने कहां प्रतिबंध डाला है जरा दिखाओ तो। नहीं नहीं बोले कल दिखाऊंगा। दोबारा गए, नहीं नहीं बोले अगले हफ्ते। उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो क्या? फिर मीडिया वाले पहुंच गए, मुख्यमंत्री जी जरा दिखाओ तो, मोदी ने कब प्रतिबंध लगाया जरा दिखाओ तो। अब भागते फिर रहे, जवाब नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, हरियाणा के किसान का बासमती के चावल पर संकट इसलिए आया है कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने मंडी में जो 4% टैक्स लगाया हुआ है, इसके कारण हरियाणा के किसान के बासमती के बाजार में वो टिक नहीं पाता है और उसके कारण बेचारा हरियाणा का किसान मारा जा रहा है और इसके लिए हरियाणा की कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। दूसरे माह है वो भी झूठ बोलने के बड़े काबिल है। किसी समारंभ में मेरे साथ मंच पे बैठे होंगे, और सार्वजनिक जीवन में तो हर किसी से फोटो निकलती है, तो मेरे साथ वाली फोटो साफ करके गांव गांव बांट रहे घर घर, हम मोदी को साथ देने वाले हैं, हमें वोट दो। बताओ, हम मोदी को साथ देने वाले हैं, हमें वोट दो। बाबा माफ करो, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने बहुत साथ दिया है, अब मुझे तिहाड़ वालों का साथ नहीं चाहिए। और मैं तो हैरान हूं जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल हो गई तो वो क्या कहता है,
अभी इसलिए अदालत में जाऊंगा, मैं हमारी ईमानदारी को सिद्ध करूंगा, मैं जरूर ठीक करके बाहर आऊंगा और आकर के ठीक में हरियाणा की सेवा करूंगा। ऐसा बोलते हैं ना, ये ऐसा बोलते हैं, मैं जेल में ही रहूंगा, जेल में ही शपथ लाऊंगा, जेल में ही सरकार चलाऊंगा। बताइए, उनको भी पता है बाहर आने की संभावना नहीं, उनको पता है। इतना ही नहीं, मैं हैरान हूं, ये नेताओं को जनता पे भरोसा छोड़ो, अपने बेटों पे भरोसा नहीं है। वरना इतने बड़े नेता अगर अपने आप को मानते, उनको क्या कहना चाहिए था कि चलो भाई अब मैं फंस गया हूं, मुझे जेल हो गई है, मैं जेल में रहूंगा, जब बाहर आऊंगा तब जनता की सेवा करूंगा, ए मेरे बेटे आप लोग संभालो। नहीं, बेटों को भी नहीं दे रहे, मैं ही जेल में से नहीं चलूंगा, बेटों पर भी भरोसा नहीं है। बताइए, अपने बेटों पर जिसको भरोसा नहीं है वो आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? जिनका आप पर भरोसा नहीं है उस पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? भाई, पूरा हरियाणा जानता है मेरा हरियाणा के साथ नाता क्या है, मेरी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा इसी धरती पर हुई है, ये मेरी कर्मभूमि रही है। आप ही के आशीर्वाद के कारण आज मैं यहां पहुंचा हूं और मैंने तय किया है, जिस मिट्टी ने मुझे बड़ा बनाया उस मिट्टी की मुझे सेवा करनी है, मुझे कर्ज चुकाना है। दिल्ली से फरीदाबाद पास में है, दिल्ली में दिल्ली से फरीदाबाद बहुत पास है, लेकिन अगर चंडीगढ़ में अगर कोई ऐसी सरकार बैठ गई तो मोदी दिल्ली से फरीदाबाद भी नहीं आ सकता। वो कुछ भेजना चाहे तो भेज नहीं सकता है, आपका भला चाहे तो भला नहीं कर सकता है। मुझे चंडीगढ़ में जाकर के उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का संघीय ढांचा है। भाई बहनों, आप चाहते हो हरियाणा का विकास हो, आप चाहते हो हरियाणा का विकास हो, आप चाहते हो हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिले, आप चाहते हैं यहाँ का इंडस्ट्री एकदम तेज तरार आगे बढ़े, आप चाहते हैं यहाँ इंडस्ट्री को बिजली मिले, आप चाहते हैं यहाँ इंडस्ट्री को गैस मिले, आप चाहते हैं जो रोजगार कर रहे हैं उनको पूरा काम का पैसा मिले, आप चाहते हैं कामदारों को अस्पताल की अच्छी सुविधा मिले, आप चाहते हैं कामदार के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था मिले, अगर ये आप चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा करने के लिए आपको भरोसा देती है। हरियाणा को आधा अधूरा फैसला मत करना, कोई गलती मत करना भाइयों, वरना लोग आ पड़ेंगे, अब जाति के नाम पर बात करेंगे, अब सिंपथी गेन करने के प्रयास करेंगे, आंसू बहाएंगे, दो दो तीन तीन पीढ़ियों को याद करेंगे, न जाने क्या क्या खेल खेलने वाले हैं आने वाले 7 दिन में। लेकिन आप तो अपने मन में एक ही बात रखना, हरियाणा का भाग्य बदलेगा तो आपका भाग्य बदलेगा। अगर आपने चुप कर दी, अगर आपने मौका खो दिया, 25 साल तक हरियाणा परिवारवाद में फंसा हुआ है, फिर एक बार इसी चिंगाल में फंस जाएगा। और इसलिए मेरे भाई बहनों, यहां एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी तो 5 साल के बाद आप उस सरकार के पास से हिसाब मांग सकते हो, 5 साल के बाद आप उस सरकार का कान पकड़ सकते हैं। आज दिल्ली में आपने मुझे बिठाया है,
पांच साल के बाद मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पाई पाई का आपको हिसाब दूं, पल पल का हिसाब दूं, और कोई गलती ही हो तो आप मेरा कान पकड़ सकते हो। हरियाणा में भी ऐसी सरकार बनाइए कि जिसका आप हिसाब मांग सको, जिसकी जिम्मेवारी तय। अगर मिली जुली बातें करोगे तो आपका ये अधिकार भी चला जाएगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर सरकार में बैठे वो कहेंगे वो तो मैंने नहीं उसने किया, वो कह रहा था उसने किया, वो कहेगा उसने किया, बाकी चौपट हो जाएगी। और इसलिए भाई बहनों, पूर्ण बहुमत वाली सरकार होना जरूरी है। भाई बहनों, फरीदाबाद को बिजली चाहिए। मैंने सरकार में कहा 400 मेगावाट बिजली से फरीदाबाद के कारखाने नहीं चल सकते, 800 मेगावाट बिजली सप्लाई नहीं होगा तब तक यहाँ पर कारखाने पूरा समय नहीं चल सकता, रोजगार नहीं चल सकते, और ये काम मैं करके रहूंगा भाइयों। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी व्यवस्था करके रहूंगा। वक्त बदल चुका है, फरीदाबाद की इंडस्ट्री को अगर आधुनिक बनाना है तो उसे गैस ग्रिड की जरूरत है। अगर उसके इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस ग्रिड पहुंचेगा तो यहां के उद्योगकारों के उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी, क्वालिटी में परिवर्तन आ जाएगा, क्लीन फ्यूल उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और इसलिए हमने फैसला किया है फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एस्टेट को गैस ग्रिड से जोड़ा जाएगा, पाइपलाइन से उनको गैस सप्लाई किया जाएगा, ताकि उनके उद्योगों को एक नई ताकत मिले, उस काम को बहाल किया जाएगा। आप हैरान हो, हमारे जो कामदार है 100 रुपया, किसी को 200 रुपया, बेचारा पोस्ट ऑफिस में पेंशन लेने जाता था तो आधा पेंशन तो ऑटो रिक्शा के किराए में चला जाता था, उस पेंशन से क्या करेगा वो? ये भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये गरीबों के लिए सरकार है, गरीबों के लिए काम करती है, और इसलिए हमने आते ही निर्णय कर लिया। अब हिंदुस्तान में 32 लाख परिवार है मेरे भाई बहनों, 32 लाख जिनको 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया पेंशन मिलती है। हमने निर्णय कर लिया बुढ़ापे में उनके काम आना चाहिए, अब 1000 रुपये से कम पेंशन किसी को नहीं मिलेगी, हर किसी को 1000 रुपये का पेंशन मिलेगा। वरना बेचारा गरीब बूढ़ा आदमी जाएगा कहां, किसके भरोसे जिंदगी गुजारेगा? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लगाई। इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कहकर के हुआ था कि बैंक धन्ना सेठों के लिए नहीं है, बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है, कर दिया। किसी गरीब को कभी आपने बैंक में देखा है क्या? आपने किसी गरीब को बैंक में देखा है क्या? जरा सच्चाई से बताइए, किसी गरीब को आपने बैंक में देखा है क्या? क्या गरीब हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है क्या? हिंदुस्तान के खजाने पर गरीब का अधिकार है कि नहीं है? क्या बैंक में उसका खाता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बैंक के पैसे उसको मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? बेचारा का बैंक में पैर रखने की ताकत नहीं है, और घर में कोई बीमार हो गया, बेटी की शादी करनी है, बेटी की फीस भरनी है, तो बेचारा साहूकार के पास ऊंचे ब्याज के दर से सूद ले आता है, और पूरी जिंदगी पर सूद देते देते मर जाता है, कभी उससे बाहर नहीं आता है। मैं मेरे गरीबों को बचाना चाहता हूं, और इसी मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना की है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो गरीब बैंक का खाता खोलेगा उसको खाता खोलते ही एक कार्ड देते हैं हम, और इसको 1 लाख रुपए का अकस्मात का बीमा दे दिया जाता है। अगर उसके परिवार में कोई संकट आया तो 1 लाख रुपए का बीमा उसे सुरक्षा दी जाती है।
और मैं बैंक के सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, बैंकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, एक महीने के भीतर भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों का बैंक का खाता खोलने का काम पूरा कर दिया और 26 जनवरी तक हिंदुस्तान के एक एक गरीब का बैंक का खाता खुल जाएगा। कांग्रेस वाले कांग्रेस वाले 7 साल से सरकार चला रहे हैं, पंचायत में भी कांग्रेस, शहरों में भी कांग्रेस, राज्य में भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस, एक चक्री राज था उनका। 7 साल के काम का तो हिसाब नहीं दे रहे हैं और मोदी से 60 दिन का हिसाब मांग रहे। मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, ये गरीबों को बैंक में खाते क्यों नहीं खोले गए? जो काम आप 60 साल में नहीं कर पाए, ये काम हमने एक महीने में करके दिखाया है। करने का जज्बा चाहिए दोस्तों, गरीबों के प्रति संवेदना चाहिए, तब जाकर के काम होता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, अब ये देश इंतजार नहीं कर सकता, देश रुक नहीं सकता, देश का नौजवान बूढ़े माँ बाप के पास हाथ फहरा करके जिंदगी नहीं जी सकता है, वो संवाद से जीना चाहता है, उसे रोजगार चाहिए, उसको काम चाहिए। भाई बहनों, आज हरियाणा में राजनेताओं के आशीर्वाद से बाहुबलियों का खेल चल रहा है। मैं आपको वादा करने आया हूं, हरियाणा को बाहुबलियों से मुक्त कराना है। आज 25 साल के जो अनुभव है उससे हरियाणा को मुक्ति दिलानी है और इसलिए मुझे आशीर्वाद चाहिए आप लोगों को। हमारी माताओं बहनों का क्या हाल है, क्या करके रखा है हरियाणा का हाल? हरियाणा में 1000 बेटे पैदा होते हैं तो उसके सामने 875 कन्याएं पैदा होती हैं। 1000 का गांव होगा तो उस गांव में हर पीढ़ी के 700 नौजवान संवारे रह जाएंगे, कन्या ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने कन्याओं को मां के गर्भ में ही मार दिया, भ्रूण हत्या का पाप किया है, कन्या को जन्म का अधिकार नहीं दिया है हमने। क्या ये संस्कारिता है? क्या ये सभ्यता है? क्या ये सरकारें हैं? बहुत पीड़ा होती है भाइयों बहनों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम 18वीं शताब्दी में नहीं जी रहे हैं। जब दूध पीती करने का परंपरा चलती थी, हम तो बाप हमको बेटी को मां के गर्भ में ही मार दे रहे हैं। ये कलंक से हरियाणा को बाहर निकलना, हिंदुस्तान के जो 15 जिले हैं जो सबसे हालत खराब है उसमें 9 जिले हरियाणा के हैं मेरे भाइयों बहनों। क्या मेरे माताओं बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेटी को जन्मने का अधिकार है कि नहीं है? बेटी को जन्मने का अधिकार है कि नहीं है? माता बहने, इन बेटी को जन्मने से क्यों रोका जा रहा है? और इसलिए इस स्थिति को मुझे बदलना है। इतना ही नहीं, आज गांव में भी महिलाएं डरी डरी रहती है, हर गांव में कोई न कोई बाहुबली बैठा है, महिलाओं को खौफ रहता है, घर के बाहर निकलने से डरती है, महिलाओं का शोषण करने वाले सरफरे लोग घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, दलित कन्या पर बलात्कारों की घटनाओं ने सारे हिंदुस्तान का सर झुका दिया है, हरियाणा में एक के बाद एक घटनाओं का क्रम चल पड़ा था। क्या इन माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये माताएं बहनें सम्मान से जीनी नहीं चाहिए? क्या इन माताएं बहनें सर ऊंचा कर करके समाज के अंदर गौरव का जीवन नहीं जी सकती है? माताएं बहनें, दिल्ली में आपका एक भाई बैठा है जो आपके सम्मान के लिए जी रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए जी रहा है। माताएं बहनें, और इसलिए मैं हरियाणा की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, आपके सम्मान के लिए, आपके गौरव के लिए,
आपके साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ लड़ने के लिए सभी माताएं बहने एकजुट हो जाइए, जाति बिरादरी से भी अलग होकर के एकजुट हो जाइए, परिवार का मुखिया कुछ भी कहे मत मानिए, इस बार एक होकर के नारी के सम्मान के लिए मतदान कीजिए, नारी के गौरव के लिए मतदान कीजिए, कमल के मैदान पर बटन दबाइए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार का जुल्म चल रहा है, हमारा हरियाणा ऐसा नहीं था। मैं भी यहां रहा हूं, मैंने देखा है हरियाणा को, मैं गली गली से पैर परिचित हूं, इसे तबाह कर दिया गया है। अरे मेरा अपना हरियाणा है, मैं इसे तबाह होते नहीं देख सकता हूं भाइयों, और इसलिए मैं हरियाणा की जनता को प्रार्थना करने आया हूं। क्या ये हरियाणा में स्थिर सरकार चुनी है, मजबूत सरकार चुनी है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चुनी है, भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर जिम्मेवारी डालिए, मैं आपकी सेवा करने का वादा करता हूं। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये हमारा हिंदुस्तान कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, कभी हमारे हिंदुस्तान की दुनिया में गुंज हुआ करती थी, लेकिन आजादी के बाद कभी दुनिया में हिंदुस्तान की गुंज सुनी क्या? सुनी क्या? आजादी के बाद कोई हिंदुस्तान की ओर देखता था क्या? जरा बताइए ना, देखता था क्या? कोई हिंदुस्तान को पूछता था क्या? किसी को हिंदुस्तान का महत्व दिखता था क्या? और आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आप बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है नहीं बज रहा है? दुनिया हिंदुस्तान की चर्चा करने लगी है कि नहीं लगी है? दुनिया के बड़े दिग्गज दिग्गज नेता हिंदुस्तान की मुलाकात लेने के लिए आना शुरू हुए कि नहीं हुए? ये बदलाव कैसे आया? अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका क्यों बजा? क्यों बजा? क्यों बजा भाइयों? क्यों बजा? ये हिंदुस्तान का डंका क्यों बजना शुरू हुआ? मोदी के कारण नहीं बज रहा भाइयों बहनों, मोदी के कारण नहीं बज रहा है। ये जादू मोदी का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है, ये करिश्मा आपका है, 125 करोड़ देशवासियों का करिश्मा। ये दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, आपके कारण बज रहा है, क्योंकि आपने मई महीने के लोकसभा के चुनाव में एकजुट होकर के जात पात देखे बिना, अपना पराया देखे बिना, सिर्फ भारत माँ का कल्याण करने का निर्णय किया। 125 करोड़ देशवासियों ने पूर्ण बहुमत के साथ 30 साल के बाद पहली बार एक मजबूत सरकार को जन्म दिया। इसी के कारण दुनिया पूछने लगी है, अगर आपने दीली दाली सरकार बनाई होती तो दुनिया भी आपकी ओर देखने वाली नहीं थी। आज दुनिया इसलिए देख रही है कि आपने मजबूत सरकार बनाई है। आपको अच्छा लगता है ना दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? अच्छा लगता है? गौरव होता है, अभिमान होता है, खुशी होती है? क्या हरियाणा का भी डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? हरियाणा का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? पूरी दुनिया में हरियाणा का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? अगर डंका बजाना चाहते हो तो हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की मजबूत सरकार बनाइए, डंका बजेगा। आप अगर साथ खड़े हो गए तो हरियाणा का भी डंका बजेगा भाइयों। और इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, 15 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, हरियाणा में एक नए इतिहास का आरंभ कीजिए, विकास की यात्रा का आरंभ कीजिए, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करने का आगे बढ़िए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़िए, मां बहनों के सम्मान और गौरव के लिए आगे बढ़िए, किसानों के कल्याण के लिए आगे बढ़िए, एक चमकता हुआ विकास वाला प्रगतिशील
दबकता हुआ हरियाणा बनाने का संकल्प करने के लिए कमल से बटन दबाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है कि मेरे बगल में आके खड़े हो जाए, सारे उम्मीदवार आ जाएं, सब आगे आ जाएंगे, कैमरा वाले आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा भाइयों बहनों मेरा एक काम करोगे, सभी नागरिक भाइयों बहनों मेरा एक काम करोगे, मुझे जवाब दीजिए, करोगे? बहने इधर मेरा काम करोगे, उधर जो दूर दूर खड़े हैं मेरा एक काम करोगे, पक्का करोगे? सभा पूरी होने के बाद आप जब जाएंगे तो पानी का बोतल पड़ा हो, कागज के टुकड़े पड़े हो, प्लास्टिक पड़ा हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, इसको उठा के ले जाएंगे, पक्का ले जाएंगे? यहां कोई गंदगी नहीं छोड़ेंगे ना, हमें गंदगी करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ सफाई वाले सफाई करें और हम गंदगी कर रहे हैं, ऐसा हमारा देश नहीं हो सकता। हम अपनी जिम्मेवारी को समझे, ये सफाई हम भी करें, करेंगे, पक्का करेंगे? मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ए बड़ी तेज आवाज आनी चाहिए दोनों मुट्ठी बंद करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।